अंदाजा लगाइए इस तरह के हालात हैं। पाकिस्तान के सरेंडर की निशानी को मिटा दिया गया, ये वो तस्वीर है जिसे पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। मेजर अली शाह, आपका इस पर क्या रिएक्शन है? और मैं उस बात पर भी आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से हिंदू वहां पर डटे हुए हैं और शेखावत हुसैन का जो बयान सामने आया, एक बयान और भी सामने आया है उनकी तरफ से, ये कहा गया है कि अगर आप भारत को लेकर अगर आप कुछ मदद नहीं कर सकते तो हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की स्थितियां रहेंगी तो फिर आप एक अच्छा मित्र दोस्त देश जो है वो खो देंगे। एक बयान ये भी आया है हुसैन शेखावत का। जी, सबसे पहले तो जो बांग्लादेश में माइनॉरिटी के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं, मैं उनकी सख्त खुली निंदा करता हूं। ऐसे नहीं होना चाहिए कहीं पर भी, किसी भी मुल्क में। ये बहुत ही डेट्रिमेंटल है सोसाइटी के लिए, इंसानियत के लिए, उनके देश के लिए, उनके पड़ोसी मुल्कों के लिए। और इसके बारे में हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया है कि अब नहीं होएगा, देखते हैं कितना वो सफल होते हैं इसमें, इस पे अमल रखने के लिए। तो अब मैं आपको हल्का सा इतिहास में ले आता हूँ। मैं 1947 में जब ईस्ट बंगाल, वो एक वहाँ पे प्रोविंस था, वो डोमिनेशन ऑफ पाकिस्तान था उस टाइम पे, तो वो रीनेम हुआ ईस्ट पाकिस्तान में। फिर ढाका जो इस देश का लेजिस्लेटिव कैपिटल हुआ, फिर बंगाल लेजिस्लेटिव मूवमेंट हुआ 1952 में। उस टाइम पे जो ईस्ट बंगाल का लेजिस्लेटिव इलेक्शन के बाद 1954 और फिर 1958 में पाकिस्तान में कू हुआ, जबरदस्त कू हुआ, और एक 6-point मूवमेंट वो के 1966 में ये लागू कर दी गई। फिर 1970 में पाकिस्तानी जनरल इलेक्शन के टाइम पे उससे रिजल्ट क्या हुआ, जो राइज ऑफ बंगाली नेशनलिस्ट फीलिंग वहां पर आई थी, तो जो प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट वो जागी वहां पे, और जो पाकिस्तानी मिलिट्री थी वो मिलिट्री जनता शेख मुजीबुर रहमान को पावर देने से इनकार कर रही थी, जिसकी वजह से लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश का जो वॉर लड़ा गया, तो मुक्ति वाहिनी जो कि एडेड थी इंडियन गवर्नमेंट से, मुक्ति वाहिनी ने वहां पे बड़ा अच्छे से जंग लड़ा था कि वहां पे, जिसको वो ईस्ट बंगाल कहते थे, ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश के नाम से अब जाना जाता है। अब क्या हुआ, अब बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि बांग्लादेश एक लार्ज कॉन्ट्रीब्यूटर है यूएन में। बांग्लादेश जो एक मिडिल पावर इंडो पैसिफिक रीजन है, और बांग्लादेश में जो थर्ड लार्जेस्ट मुस्लिम मेजोरिटी पॉपुलेशन है दुनिया की, और उसके अलावा जो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है साउथ एशिया की, ऐसे मुल्क में जब ऐसे अत्याचार लोग सुनेंगे कि भाई तो 28 मिलिट्री कू तो हो चुके हैं बांग्लादेश में। 1975 में पैरा मिलिट्री कू हुआ था, जब 15 अगस्त को, जो 15 अगस्त अपडेट आ रहा है, शेख मुजीबुर रहमान उनकी बीवी और 3 बच्चों को मार दिया था। इसके बाद एक हफ्ते में बांग्लादेश में ऐसा भी हुआ है, एक हफ्ते में 2 कू भी हुए हैं बांग्लादेश के अंदर, और 2007 से 2008 में भी लास्ट मिलिट्री कू, अभी कुछ 4 दिन पहले की बात से, पहले का जो मिलिट्री कू हुआ था वो 2007-2008 में हुआ था। फिर 2009 में शेख हसीना वहां पर सत्ता में आई थी, जो 15 साल जिन्होंने वहां पर रजीम में रही, और 5 टेन्योर। आप देखिए ऐसे मुल्क में अब इतनी गंदी तरीके से माइनॉरिटीज के साथ जो हो रहा है उसकी सख्त निंदा करते हैं। और मैं ये बोलूंगा कि देखिए मैं हिंदुस्तान में माइनॉरिटी हूं, और बांग्लादेश को सीखना चाहिए हिंदुस्तान से, सबसे महफूज देश पूरी दुनिया में। आप देख लीजिए अफगानिस्तान में, आप देख लीजिए पाकिस्तान में, आप देख लीजिए बांग्लादेश में, आप देख लीजिए चीन में, आप देख लीजिए कहीं पे भी आप जाइए, अभी तो यूके में भी वहां पे हिंसा शुरू हो गई है, आप कहीं भी दुनिया भर में कहीं भी जाइए, आप सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो हिंदुस्तान जैसा मुल्क नहीं मिलेगा। शेख हसीना भी अपने आप को महफूज समझ रही हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो बांग्लादेश वासियों को भी एक तरफ ये भी मंजर है कि हमने देखा कि बांग्लादेशी मुसलमान भी हिंदू मंदिरों को बचा रहे हैं, वो हिंदुओं को बचा रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए, बचाना चाहिए। एक माइनॉरिटी को समझ में आना चाहिए कि मेजोरिटी के साथ कैसे पेश आते हैं, और मेजोरिटी को मालूम होना चाहिए माइनॉरिटी के साथ कैसे पेश आते हैं। एक घर के अंदर एक छोटा भाई को मालूम होना चाहिए बड़े भाई के साथ कैसे पेश करते हैं, इज्जत कैसे करते हैं, बड़े भाई को मालूम होना चाहिए छोटे भाई की इज्जत कैसे करते हैं। तो बांग्लादेश में ऐसा छोटा सा मुल्क जहां पर हमने बहुत सहयोग दिया है इनको, अब आप देखिए आपको भी समझना चाहिए, आपको मतलब मेरा मतलब है, मैं बात कर रहा हूँ बांग्लादेश से, जो वहां पे मैं समझाया कैसे वो ईस्ट बंगाल का हिस्सा था, कैसे वो ईस्ट पाकिस्तान हुआ 1947 में। तो आप
एक अंश थे हमारे, आप ऐसा मत करिए प्लीज, दरखास्त है, क्योंकि आपको सीखना चाहिए। हिंदुस्तान में एपीजे अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रपति थे, यहाँ पे मीर अब्दुल हलीम, मीर अब्दुल हमीद का ये देश था। आप देखिए बंगाल में अब्दुल हलीम साहब वहां पे स्पीकर थे। तो ऐसा मुल्क जहां पर ये माइनॉरिटीज को बिल्कुल अच्छी तरीके से सलूक किया जाता है, वहां पे तो आपके पड़ोसी मुल्क में दत्ता चतर हो रहा है, ठीक है, पाकिस्तान के नक्शे कदम में कर रहे हो।